हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 2 है, जो जीवन के संगठन का स्तर चैप्टर का नाम है। उससे रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको इससे पहले हमने MCQ कर रखा है। आपने यदि नहीं देखा है तो आप हमारे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको MCQ मिल जाएगा। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, सेल और टिश्यू के ऊपर है। तो उस आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैंने वो सब वीडियो बना रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। और आज आपके बुक से ही मैंने हिंदी के बुक से लिया है, जो क्वेश्चन इस प्रकार है, जो आप देख सकते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर होगा सेलुलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थ की बनी होती है। आप सेलुलोज पेक्टोज भी लिख सकते हैं। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का निर्माण किससे होता है? तो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है, ठीक है। इसमें बाहरी एवं भीतरी जो परत होती है वो प्रोटीन एवं मध्य वाली जो परत होती है वो लिपिड या वसा द्वारा मिलकर बना होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो वेंडा नामक साइंटिस्ट ने की थी 1897 ईस्वी में, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जीवन की इकाई क्या है? हम सभी जानते हैं कोशिका, क्योंकि कोशिका से ही हम पूरे जो संसार के जितने भी जीवधारी हैं वो सब कोशिका से ही बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक अम्लों का नाम बताइए। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है यानी कि न्यूक्लिक एसिड का नाम बताइए, तो है डीऑक्सीराइबोज DNA जिसको कहा जाता है, और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी RNA जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैव अणु किसे कहते हैं? वे सभी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ या यौगिक कहिए जिनसे मनुष्य एवं अन्य जीवों का शरीर का गठन हुआ है, उसको जैव अणु कहा जाता है, ठीक है। रंग लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में रंग लवक पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि डीऑक्सीराइबोसोम क्या है? तो जो गोल्गी बॉडी होता है ना, गोल्गी बॉडी आप बोल सकते हैं, तो वो पौधों की कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। पौधों की कोशिकाओं को ही गोल्गी बॉडी, जो पौधों कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी होता है उसको हम लोग डीऑक्सीराइबोसोम कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द गोल्गी बॉडी इन अ प्लांट सेल द डीऑक्सीराइबोसोम, ठीक है। सिनसाइटियम से आप क्या समझते हैं? तो सिनसाइटियम से हम यही समझते हैं कि मास ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेवरल न्यूक्लियाई एंड इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन बट नॉट इंटरनल, ठीक है, सेल बाउंड्रीज, उसको सिनसाइटियम कहा जाता है। संवहन बंडल का निर्माण यानी कि जो संवहन बंडल है जिसका निर्माण किस स्थायी उत्तक से होता है? तो उसका स्थायी उत्तक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी उत्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में किस अंग से बाइल स्रावित होता है, यानी कि बाइल का सेक्रेशन होता है? तो लीवर जिसका नाम, जिसको हिंदी में यकृत भी कहा जाता है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यह है अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि है, जिसको इंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है, उसकी ग्रंथि है। इसी से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, ठीक है, पैंक्रियाज जिसको कहा जाता है। अग्नाशय मीन्स पैंक्रियाज ग्लैंड। मनुष्य की कितनी कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं। मानव मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? सिर में। फेफड़े की इकाई क्या है? एल्वियोलाई। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इन स्टमक में। और जो ऑक्सिन टिंक है और पाइलोरिक है, ये 2 होती हैं ये गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, जिसमें 80% होता है ऑक्सिन टिंक, और उसके बाद जो 20% होता है पाइलोरिक, ठीक है। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़े अंग का क्या नाम है? तो हम सभी जानते हैं कि त्वचा, स्किन, और सबसे बड़े अंग का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किया यहाँ पर। आपको और भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि ताकि एग्ज़ाम तक आपके सारे वीडियोज़ कम्प्लीट हो जाए जल्दी, मैं कोशिश कर रही हूँ। और आप ठीक से स्टडी करिए, ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।